नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में हम बातचीत कर रहे हैं ओडिसी की जानी मानी डांसर शुभदा वराडकर जी से। कल उनके नृत्य के शुरुआती सफर के बारे में हमने बातचीत की, आज बातचीत करेंगे उस नृत्य के आगे के सफर पर, उनकी कला के अलग अलग आयाम पर उनके नृत्य की झलकियां भी देखेंगे। एक बार फिर से आपका शुभदा जी बहुत बहुत स्वागत है। जब आप भरतनाट्यम सीख रही थी तो दरअसल आपको पता ही नहीं था कि ओडिसी भी एक डांस फॉर्म है। इस बात को अब काफी अरसा बीत चुका है, अब हमारी जो नई जनरेशन है और अब आप सिखाती भी हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी जो ओडिसी डांस की जो स्थिति है देश में और देश के बाहर भी, उसको आप कितना पॉजिटिव देखती हैं पहले के मुकाबले अवेयरनेस के हिसाब से? अवेयरनेस के हिसाब से बहुत बेहतर है, मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि बहुत ही अच्छी है, लेकिन जो पहले जो अवेयरनेस था जो था उससे बेहतर है। लेकिन फिर भी हमारी ये जो नृत्य शैलियां है और हमारी इतनी ये जो धरोहर है, इतनी संपन्नता है हमारी संस्कृति में, वो हमारे सभी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। और इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं आपका बहुत अभिनंदन करती हूँ कि आपने ये इतना सुंदर प्रयास करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हमारी ही चीजें, कई बार ऐसे होता है कि हमारी ही चीजें हमें हमारे लोगों को दिखानी पड़ती है। और खासकर हम जब विदेश में कार्यक्रम करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां के जो लोग हैं वो हमारी नृत्य कलाओं के बारे में कई बार ज्यादा जानकारी रखते हैं और ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो और वहां अगर हमारे कोई भारत के हमारे भाई बहन मिलते हैं और कहते हैं कि ये ओडिसी क्या है, तो बहुत दुख हो जाता है। और यहाँ ऐसे कई बार होता है कि हम जब कहते हैं हम नृत्य कर रहे हैं तो कोई अच्छा कथक कर रहे हैं या नो, क्योंकि कथक बॉलीवुड में ज्यादा लोग करते हैं तो वो लोगों तक बहुत पहुंचा है। लेकिन हमारे देश में इतनी खूबसूरत है ये सभी शैलियां, जैसे कि मणिपुरी है, इतनी सुंदर, देखे ही एक अलग आध्यात्मिक आनंद हमें मिलता है ये सभी नृत्य शैलियों में। कुचिपुड़ी है, कथकली है, उसकी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचती है। और खासकर मुझे बहुत ऐसे अंदर से लगता है कि हमारे जो यूथ है, अभी जो बच्चे हैं, उन तक ये पहुंचना चाहिए। और यही चीज हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है कि हमारे पास भी इतनी सब चीजें हैं, हम क्यों दूसरों की गलत कॉपी करें। तो ये एक बात अभी भी खटकती है, लेकिन अभी बहुत प्रयास हो रहे हैं और बहुत सारी नृत्यांगनाएं हैं, बहुत सारे कलाकार स्वयं भी इस प्रयास में शामिल हो गए हैं। पहले जैसे सिर्फ नृत्य करना है ऐसे नहीं कि हम अभी कोशिश करते कि हम भी लोगों तक पहुंचे, हम भी लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन करें, हम भी कुछ करें ताकि ये जो हमारी धरोहर है वो हमारी अगली पीढ़ी तक पहुंचे। क्योंकि ये कुछ किसी भी चीज की निर्मित करना बहुत मुश्किल होता है, उससे भी मुश्किल होता है उससे उसका संवर्धन करना, और वो बहुत जरूरी है। आपकी एक और प्रस्तुति है अर्ध नारीश्वर, वो भी हम दिखाएंगे, लेकिन फिर गुजारिश यही करेंगे कि थोड़ा सा उसके बारे में बताइए ताकि जो लोग उसको देख रहे हैं उनका जो आनंद है वो दुगुना हो जाए। जरूर जरूर, ये एक आदि शंकराचार्य रचित अर्धनारीश्वर स्तोत्र है जिसमें भगवान शिव का वर्णन किया है। और उसमें शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन किया है कि उस जमाने में देखिए स्त्री और पुरुष दोनों समान थे। तो वो पूरा जो वर्णन है उनका देवी का और भगवान शंकर का, वो इस अर्धनारीश्वर स्तुति में किया गया है। जैसे चांपे गौरार्ध, चंपा के फूलों जैसा गौर वर्ण देवी का है, तो उनका शिव जी का वर्णन है कि कर्पूर गौरार्ध, उसी तरह के वो तो जगत जननी है और ये जगत पिता है, तो दोनों समान है इस संसार में। और ये बहुत ही आदि शंकराचार्य में बहुत कविता को मैं मराठी में खुद कुछ कविता करने की कोशिश करती हूँ जो मैंने मराठी के
पुस्तक में आई है मेरी, लेकिन कविता जो है और हमारा जो साहित्य है वो मुझे बहुत भाता है। और जब भी मैं अच्छा कुछ देखती हूँ, और आदि शंकराचार्य के जो स्तोत्र है उसे तो सभी नर्तकों को एक प्रेरणा मिलती है और कुछ अच्छा नया बनाने की कोशिश हम करते हैं। बस गुरुजी से जो सीखा है उसके बाद हम और कुछ उनके उतना अच्छा नहीं, लेकिन और कुछ उनकी प्रेरणा से करने की कोशिश करते हैं। वो क्लिप भी देख लेते हैं। शुभदा जी, आखिरी सवाल जो है मेरा वो दरअसल कई लोगों को हो सकता है चौंकाए भी, हालांकि उसका खुलासा आपने कर दिया है कि आप लिखती भी हैं। तो आप सिर्फ लिखती नहीं है, आपकी तो बकायदा डांस पर एक बहुत ही विस्तृत किताब है। पढ़ाई भी आपने बता दिया कि आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ाई भी की है। डांस, ओडिसी, भरतनाट्यम, न्यूज कास्टर भी आप, प्रोग्राम प्रेजेंटर भी आप रही हैं। तो ये जो मल्टीपल पर्सनालिटी है, इन सबको मैं एक तरफ रखता हूं और एक तरफ आपके उन कामों को रखता हूं जो आप सोसाइटी के लिए करती हैं, जो आप समाज के लिए करती हैं। जब आपको लगता है कि हाँ, जो मुझे जो कुछ दिया है ईश्वर ने, उसको मैं अगर कुछ जरूरतमंदों तक पहुंचा सकूं तो पहुंचाऊं, वो कितना सेटिस्फाइंग है ये बताइए। वो तो मुझे लगता है हम सबका अंतिम एक लक्ष्य होना चाहिए, और मैं तो सिर्फ कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि मैंने तो कभी, जैसे आपने कहा, मैंने न्यूज कास्टर भी थे, मैं अर्थशास्त्र पढ़ाती भी थी बंबई में रुइया महाविद्यालय में, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि मैं नृत्य करूंगी या नृत्यांगना बनूंगी। मैं प्रोफेशन अभी भी नहीं बोलती हूँ मेरे इस कला को, मैं इसे साधना ही कहती हूँ। बस मुझे अच्छे गुरुओं के आशीर्वाद मिले, मेरे नृत्य के गुरुओं के भी मिले। लेकिन आप तो जानते होंगे कि अगर हमें कोई हम उस फैमिली से नहीं है, क्योंकि हम मुझे तो कोई विरासत में नहीं मिला है नृत्य, ये मुझे कहीं से मिला है। तो सोचती हूँ एक मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से मिला है। और बहुत सारे, ये तो नृत्य के गुरु है, लेकिन जिंदगी में हम मैं ऐसे ऐसे कलाकारों से मिली हूँ। अभी बस एक ही बात कहती हूँ आपको, क्योंकि उस जमाने में इतना बहुत मुश्किल था कि आपको प्रोग्राम मिलना। हम साधना करते हैं, बहुत रियाज करते हैं, क्योंकि हमें, मैं तो प्रोग्राम जितना आनंद लेती हूँ प्रोग्राम करने में, उतना आनंद मैं मेरे रोज के नृत्य की प्रैक्टिस में भी लेती हूँ। लेकिन प्रोग्राम करने की इच्छा थी, तब प्रोग्राम नहीं मिल रहे थे। और मेरा जो, मैं न्यूज कास्टर थी वो करती थी और सिखाती थी महाविद्यालय में। और उस समय मैंने, हमारे एक संगीतकार है, संगीत आप रागदारी से जुड़े हुए हैं इसलिए कहती हूँ कि बहुत ही बड़े उस्ताद अब्दुल हलीम जफर खां जो सितार बजाते थे, उनकी एकेडमी का प्रोग्राम होता था, और मैंने उन्हें मेरा बायोडाटा भेज दिया था। और एक दिन मुझे फोन आया, मैंने फोन उठाया तो उन्होंने कहा कि आप शुभदा जी है? मैंने कहा हाँ। उस जमाने में वो पुराने फोन थे, मोबाइल तो नहीं थे, तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा मैं हलीम जफर खां बोल रहा हूँ, और हमारी एकेडमी में आप प्रोग्राम करेंगे क्या? तो मुझे लगा कि कोई हमारे दोस्त है, वो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं।
मैंने कहा कि ठीक है सोचती हूँ, और मैंने फोन रख दिया। और मैंने फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वो वही थे, खासा भी थे। तो फिर मैंने उनका नंबर ढूंढ के फिर से उनको फोन किया, कहा कि मैं जरूर करूंगी प्रोग्राम। और वहां मैंने प्रोग्राम किया, एक बड़ा प्रोग्राम वो पहले किया, कि उस प्रोग्राम में फिर बहुत सारे कलाकारों ने मुझे देखा, आयोजकों ने देखा, और फिर मुझे प्रोग्राम्स मिलने लगे। तो इस तरह ये नृत्य का सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक शुरू है। लेकिन उसी के साथ, जैसे मैंने कहा कि मेरे घर में मेरे पिताजी भी स्वतंत्र सैनिक थे, तो एक राष्ट्र भावना और समाज के प्रति कुछ करने की भावना सदा ही थी हमारे फैमिली में। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा तो माध्यम नृत्य है, तो इसके माध्यम से मैं सभी को आनंद दे ही रही हूँ, लेकिन उसी के साथ मैं और भी कुछ करूँ। तो मैंने मेरी संस्था शुरू की है, संस्कृता फाउंडेशन, और उस संस्था के माध्यम से मैं सिखाती हूँ, नृत्य सिखाती हूँ, और जो भी गरीब बच्चे हैं और सीखना चाहते हैं उन्हें हम बिना कुछ कंट्रीब्यूशन लिए, फीस लिए बगैर, और वही नहीं कि उनका पूरा नृत्य का जो भी खर्चा है वो हम करते हैं, अगर प्रोग्राम करना है या कुछ करना है तो। और मैं मेरी संस्था से कैंसर पेशेंट के लिए भी कुछ मदद करने का प्रयास करती हूँ। और मुझे हर समय यही लगता है कि जो भी हमें इस समाज से मिला है, हम जो भी आज है, इस राष्ट्र के कारण है, इस समाज के कारण है, तो उन्हें हमको कुछ देना बहुत जरूरी है। और बस हमारे नृत्य के माध्यम से मैं हरदम यही चाहती हूँ कि सब भी दुनिया में शांति रहे और सब एक दूसरे से अच्छी तरह से बंधु भाव रख कर रहे। मैं बहुत संकोच के साथ पूछ रहा हूं, लेकिन आप भी कैंसर सर्वाइवर हैं ना? हाँ, और इसीलिए मीन्स उसमें संकोच की कोई बात नहीं। पहले तो मैं भी संकोच करती थी किसी को कहने के मुझे कैंसर हुआ है, लेकिन और मैंने आपका आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने 1-1.5 साल जब मेरी ट्रीटमेंट भी चल रही थी तब ये बात छुपा के रखी थी। और मैं मेरे ट्रीटमेंट के बीच में, जैसे मेरी केमोथेरेपी होती थी उसके बीच में भी मैं प्रोग्राम्स करती थी, रेडिएशन के बीच में भी प्रोग्राम्स करती थी, और बहुत छुपाने की बहुत मुश्किल होता था छुपाना, क्योंकि सच कहना बहुत आसान होता है, झूठ तो बहुत मुश्किल होता है। तो तब मैंने 1.5-2 साल तक ये बात छुपा के रखी थी और प्रोग्राम्स करती थी, क्योंकि अगर किसी के पता चला सबको तो शायद प्रोग्राम्स नहीं मिलेंगे, ये डर था, हर कलाकार को होता है, क्योंकि जब लोगों को पता चलता है बीमार है तो ये कैसे परफॉर्म करेगा। तो मैंने ये करीबन 2 साल तक किया, बहुत मुश्किल हो रहा था। और एक दिन मुझे एक महिला मिली जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट ले रही थी, और वो इतनी निराश थी और बातें कर रही थी कि अभी मेरे मुझे ये हो रहा है, अभी मेरा तो कुछ कह नहीं सकते, क्या होगा क्या नहीं। तो मुझे क्या हुआ मालूम नहीं, मैंने उसे तुरंत बात शुरू की और मैंने उसे कह दिया कि देखो मैं भी इससे गुजर चुकी हूँ और मैं मुझे भी कैंसर हुआ था, और मैंने पूरी कहानी मेरी उसे कह डाली। और उस समय मुझे ऐसे लगा कि मेरा आत्मा शुद्ध हो गया, क्योंकि उसके बाद 2-3 महीने बाद उसी महिला का मुझे फोन आया कि आपसे बात करने के बाद मेरा जो मेरी ट्रीटमेंट की ओर देखने का जो भी माय एटीट्यूड टुवर्ड्स माय ट्रीटमेंट पूरा चेंज हो गया, पूरी मैं इतनी पॉजिटिव और सकारात्मक दृष्टि से मेरी पूरी ट्रीटमेंट ले ली मैंने कि अभी मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ और मैं और मेरी ट्रीटमेंट लेने वाली हूँ। वो सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा और मैंने सोचा कि मैं कितनी गलती कर रही थी कि इसके बारे में बात नहीं करना, संकोच करना। और फिर मैंने मेरी संस्था की ओर से ये कार्य शुरू कर दिया, और काउंसलिंग नहीं कहूंगी मैं, लेकिन जब भी किसी को भी इस तरह की तकलीफ होती है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जाके उनसे बात करूं। और
उसी समय मैंने सोचा कि मेरे अनुभव में देखो। फिर मैंने मराठी में मयूर पंख नाम से एक पुस्तक लिखी है, जिसमें इस दौरान के मेरे जो भी विचार थे, जो भी खुद से संवाद हो रहा था, वो मैंने लिख डाला, जो मयूर पंख नाम की पुस्तक से मराठी में पब्लिश हुआ है, और द सेलेस्टियल प्लूम इस नाम से अंग्रेजी में भी पब्लिश हुआ है। से और बात इस कर पर रहा है। मयूर, हाँ, और मयूर पंख पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है मेरे पूरे उस जीवन पर। शबनम सुखदेव, जो कि बहुत ही सीनियर डायरेक्टर है, जिन्हें नेशनल अवार्ड मिला था, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है फिल्म रिविजन और पीएसबीटी के लिए। और ये डॉक्यूमेंट्री बहुत सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई थी। तब मुझे जर्मनी में और केरला फिल्म फेस्टिवल, स्टुटगार्ट फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने एक इसके बारे में बातें करने के लिए बुलाया था। और बस मेरा यही प्रयास है कि मेरे अनुभव से अगर मैं किसी को भी बात करके एक प्रोत्साहित कर सकूं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कलाकारों से बात करना मेरे लिए बहुत हमेशा ही बहुत सीखने वाला एक्सपीरियंस रहता है, बहुत कुछ नया नया जानने को मिलता है। क्योंकि जैसे आप कह रही थी कि आप संगीत की किसी परंपरा से नहीं आती, लेकिन आपने सीखा, मेरी भी कोई परंपरा नहीं है और मैंने तो सीखा भी नहीं है, सिर्फ शौक है मुझे। लेकिन इससे सकारात्मक इस इंटरव्यू का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि वो तमाम लोग जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं या इस बीमारी से सामना कर रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि किस तरह से सकारात्मक रहकर आप इस बीमारी को भी मात दे सकते हैं, इस बीमारी को भी हरा सकते हैं। इस इंटरव्यू के बाद आप जब भी कैंसर पर बात करें, तो मैं चूंकि खेलों की दुनिया का आदमी हूं, स्पोर्ट्स कवर किया है इतने साल, लांस आर्मस्ट्रांग का जिक्र होता है, युवराज सिंह का जिक्र अरे होता वाह! है। बट आप वैसे आपको कहूँ एक बात कि मैं भी खेलों से जुड़ी थी। जब मैं बचपन में नहीं, कॉलेज डेज में मैं क्रिकेट खेल चुकी हूँ, बॉल बैडमिंटन खेल चुकी हूँ, हमारे महाराष्ट्र की मैं कैप्टन थी। तो हाँ, क्योंकि हमारे घर में खेलते, तो हम देखिए हम कितने कितने तरीके से एक दूसरे जुड़ते हैं इस समाज में, खेलों के और कला के माध्यम से। तो बहुत अच्छा लगा, आपके रागगिरी नाम ही मुझे बहुत अच्छा लगा। वही जैसा मैं बात कह रहा था कि अब जब आप जिन लोगों से प्रेरित होते हैं, उसमें एक नाम जरूर रखिएगा, शुभदा वराडकर जी का, जो जिनके जिनके अंदर इतना मादा था कि ना सिर्फ उन्होंने उस बीमारी को हराया, बल्कि वो सक्सेसफुली अपने आप को उस मंच से जोड़े रख पाई जिस मंच की उन्होंने बरसों बरस साधना की थी। शुभदा जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वाकई दिल से बहुत प्रेरित करने वाली बातचीत आपके साथ हुई, इसलिए बहुत आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।